जी हाँ दर्शकों नमस्कार, खबर यूपी तक में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं भूरेलाल कुशवाहा। आइए नजर डालते हैं दिनभर की छोटी और बड़ी खबरों पर। इसके पहले खबर यूपी तक का निवेदन कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हमारी खबर सबसे पहले अपलोड हो और आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले पहुंच सके। आइए नजर डालते हैं दिनभर की छोटी और बड़ी खबरों। दो दिन पहले बीती रात शनिवार को चोरों ने नकदी रूप जेवर से किया हाथ साफ। तहसील माधोगढ़ कस्बे के मोहल्ला अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 4 शिवनारायण पुत्र जगन्नाथ के घर सूत्रों के मुताबिक चोरों ने नकदी रकम 45,000 रुपए, दो जोड़ी चांदी की तोड़ियां तथा सोने के कान वाला लेकर हुए फरार। घटना की सूचना लिखित तहरीर के मुताबिक माधोगढ़ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक को दी गई सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन कर जाँच शुरू कर दी है। प्रार्थियों द्वारा दी गई वाइट मिली जानकारी के अनुसार बताया गया दूसरे कमरे में सोए हुए थे घर के सदस्य। उक्त कमरा खाली पाकर चोरों ने बेखौफ होकर चोरी की घटना को दिया अंजाम। मामला अंबेडकर नगर लक्ष्मणपुरा का बताया गया है। माधोगढ़ से पवन यादव की रिपोर्ट। कहाँ सोए हुए थे आप उस दिन जिस दिन चोरी हुई थी? कमरे में सोए थे। कितना सामान आपका चला गया है? 45,000 रुपए हैं और डाला है जो दिया है। क्या नाम है आपका? आरती देवी। कौन से गांव से हो? लक्ष्मणपुरा वार्ड नंबर 4। क्या घटना हुई आपके यहाँ? मेरे यहाँ चोरी हुई थी। कब? किस रात्रि को? वो शनिवार की रात को जब मैं जागी सुबह तो लॉक टूटा पड़ा था और जो मेरी चीजें रखी थी 45,000 रुपए रखी थी उसके रक्षा भी टूटा पड़ा था और सूट के में कपड़े वपड़े रखे थे सब फैला हुआ डला था। फिर इसके बाद आपने अपने नजदीकी थाना या किसी उच्च अधिकारी को? मांडोवर थाने में